मस्जिद के साथ था, तो उस घर से हसन और हुसैन के रोने की आवाज मस्जिद तक बार बार आ रही थी। अल्लाह के रसूल की आंखें नम हुई और आप बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ लाए और अपनी बेटी को बुलाने लगी, लेकिन बीबी फातिमा जहरा घर में नजर न आई। जैसे ही अल्लाह के रसूल बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे पहुंचे तो देखा बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बिस्तरे बीमारी पे हैं। उनका चेहरा जर्द और उनकी आंखों के नीचे खड्डे जाहिर हैं। बस रसूल अल्लाह का हुजरे में पहुंचना था। बीबी सैयदा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, अपनी बेटी को माफ कीजिएगा, आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक न आई। मुसलसल भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका कि वो अभी उठने से भी कासिर है।